मैं आग्रह करता हूँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी से, कृपया वो आएँ. रूरल इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स फॉर लाइवहुड क्रिएशन इन विलेज इकोनॉमी, ये आपका विषय है, कृपया आके रखें. सम्मानीय मंच एवं सभी उपस्थित बंधुओं, पहले हम लोग काफ़ी विलंब से चल रहे हैं तो इसलिए मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने सोचा था लेकिन अब मैं उसको नहीं करूँगा. अब बहुत संक्षेप में दो तीन बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ. अभी मनीष जी ने कहा कि ज़्यादातर हम लोग अर्बन सेंटर रहते हैं, पर वास्तव में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके संस्थाओं में आज हम चाहते हैं कि चर्चा हो, वो अर्बन सेंटर भी नहीं होते, वो तो ग्लोबल सेंटर्ड होते हैं. उनको देश की ही चिंता नहीं होती है, वो देश के लिए ही काम नहीं करते हैं, वो तो विश्व के लिए काम करना चाहते हैं और उससे नीचे उतरने की इच्छा नहीं रखते उनके. ये बहुत बड़ा सवाल ऐसी संस्थाओं के सामने उभर करके आता है और ये सवाल अब वास्तविक बनते जा रहे हैं. जब IIT जैसी संस्थाओं से पूछा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ग्लोबल सेंटर तो समझ में आता है, लेकिन नेशनल सेंटर भी कुछ है क्या, कुछ उसमें कोई अंश जो देश के लिए होता हो, तो सचमुच में ढूंढना पड़ता है कि क्या है जो ऐसी संस्थाएं जहां हम आज बैठे हुए हैं और सौभाग्य से रूरल और स्वदेशी की बात हो रही है, वो ग्लोबल ही बात करता है और वो ये कहता है कि अमेरिका में जाके देखिए हमारा क्या इम्पैक्ट है, यूरोप में जाके देखिए हमारा क्या इम्पैक्ट है, पर ये पूछा जाए हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या इम्पैक्ट है, तो ज़रा उसमें सोचने पड़ जाते हैं. लेकिन यहाँ भी प्रयास हुआ, जैसे माननीय कश्मीर लाल जी ने कहा, कुछ लोगों ने सपना देखा और बहुत पहले जब शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी, कुछ लोगों ने कहा कि और पूछा IIT से कि आप देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, और जब उत्तर ना में लगभग मिला, चाहे वो मौन उत्तर था और उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तब एक डिपार्टमेंट की, एक सेंटर की, एक विभाग की शुरुआत हुई जिसको आज हम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं. 1978 में जिसका प्रयास 1972 से शुरू हुआ, 6 साल लगे उसको मूर्त रूप देने में. राज प्रोफेसर वीरेंद्र विजय जी हमारे बीच में हैं जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो हमें खुशी. इसी कड़ी में मैं आज के कार्यक्रम को देख रहा हूँ, ये एक बदलाव का प्रवाह चल रहा है और शायद ये प्रभाव अपना मोमेंटम पकड़ने की इच्छा रख रहा है. जैसा मैंने कहा कि 70 के दशक में जो लोग इस तरह की बात करते थे उनको पागल कहा जाता था, उनको कहता था शायद इनका दिमाग कुछ गलत दिशा में चला गया है, लेकिन कहीं मजबूरन उनको उनकी बात माननी पड़ती थी. लेकिन आज देश उस बात को मान रहा है, सरकार उस बात को मान रही है, प्रधानमंत्री जी उस बात को कह रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए. स्टार्टअप्स की बात है, इसको मैं और एक माननीय प्रधानमंत्री जी के ही सपने से जोड़ना चाहता हूँ, जो वो न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक नए भारत की बात करते हैं. हम जो लोग यहाँ आज अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स की चर्चा कर रहे हैं, मानिए कि आप हो सकता है कि उसको स्वयं की सेंटर में रख करके उसकी चर्चा कर रहे हो कि मैंने ऐसा स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है और उसकी हम आज इवैल्यूएशन या बाकी सब कर रहे हैं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पेस सेटर हैं, आप एक नए भारत की शुरुआत कर रहे हैं. आपको जितने अपने स्टार्टअप की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा इस देश को उसकी आवश्यकता है, उस नए भारत को उसकी आवश्यकता है. जिस दिशा में भारत अभी तक चल रहा था वो शायद गलत दिशा थी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही छोटे शब्दों में कहा जाए तो आज़ादी के बाद जिस राह को हमने पकड़ा था और हमने कहा था कि हम भी दुनिया की तरह, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह बहुत जल्दी उनके बराबर आना चाहेंगे, हम वो गैप बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ. अगर उस गैप को कम करना है, बल्कि मैं कहूँगा उनसे आगे निकलना है, दुनिया को राह दिखानी है, और जैसा अपने यहाँ तो कहा ही जाता है कि विश्व गुरु बनना है, तो वो राह नहीं है जो अभी तक हम चला रहे थे, वो राह है जो शायद अब हम पकड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, रूरल एंड स्वदेशी स्टार्टअप्स.
बस मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करूंगा ये कहकर के आज हमारी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं इस देश की। मैं अब अपने किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के या दुनिया की मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। क्या हमको शुद्ध खाना मिल रहा है? क्या हमको शुद्ध पानी मिल रहा है? क्या हमको शुद्ध हवा मिल रही है? नहीं मित्रों, अगर इसको कम से कम जो बेसिक हमारी मूल आवश्यकताएं हैं उनको अगर देना है तो ये बदल आवश्यक है। ये विकास किसी और दिशा में जाना आवश्यक है और उसको ले जाने वाले शायद शुरुआत कर रहे हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर है। खाली हमारे जो नए यंग यूथ साथी हैं खाली वो हमारे आज फोकस में हैं, लेकिन दो बड़े संगठन यहाँ पर जुड़े हैं आज, स्वदेशी जागरण मंच और IIT दिल्ली। और IIT दिल्ली में उन्नत भारत अभियान जो अब एक खाल IIT दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है, आज की तारीख में वो 110 बल्कि 170 संस्थाओं को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिनको सबको आदेश है सरकार का कि आप कम से कम 5-5 गांव लेकर के अपने काम को शुरू कीजिए। और शायद हमारे AICT वाले मित्र गिधारी जी चले गए हैं, अच्छा अरे माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर किसी को AICT की मान्यता चाहिए तो उस संस्था को सबसे एक काम करना जरूरी है, 5 गांव चुन करके फिर हमारे पास आइए, उसके बगैर हम आपको मान्यता नहीं देंगे। और वो मान्यता हर वर्ष दी जाती है, इस वर्ष आपने लिया अगले वर्ष नहीं लिया तो वो भी बंद हो जाएगी। तो इतना बड़ा ये कार्यक्रम स्वरूप ले रहा है और उस कार्यक्रम में हम आज एक नया एलिमेंट जोड़ रहे हैं जो स्टार्टअप का है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है ये, एक खाली एक आज की एक घटना के रूप में नहीं है। छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा जो सुबह से उसकी चर्चा हो रही है। खाने की बात हमने की, हवा की बात की, पानी की बात की, लेकिन मित्रों हम लोग अधिकतर इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स की हम चर्चा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की, लेकिन जितने स्टार्टअप्स आए बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थे, कंसेप्ट की तरफ थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भी थे, लेकिन हम किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे और उसका करने के लिए हमें कुछ नया कदम लेना है कम थे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस ढंग से हम चल रहे हैं उस ढंग से हम और आगे बढ़े तो वो कम ही रहने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत अधिक कदम नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एक मिसिंग एलिमेंट है जो हमारे देश में ख़त्म कर दिया गया है। हमने चर्चा की ढाके की मलमल, हमने चर्चा की बहुत बढ़िया जो लोहा और स्टील इस देश में बनता था, पर कौन बनाते थे उसको? क्या IITs में पढ़ने वाले, यानी मेरा मतलब है जो कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर्स बनाते थे, विद्यार्थी बनाते थे, उसको कारीगर बनाते थे, उसको आर्टिजन्स बनाते थे, वो कहाँ हैं आज? इस देश में उस क्लास को ख़त्म कर दिया गया, उसको लेबर बना दिया गया है, उसके नाम पर राजनीति होती होगी, उसके नाम पर वोट कलेक्ट लिए जाते होंगे, पर उनके लिए कोई स्कीम, कोई डेवलपमेंट नहीं है। डोल्स दी जा सकती है उनको, थोड़ा बहुत कहीं सब्सिडी वगैरह दी जा सकती है, लेकिन जिस ढंग से मित्रों ये क्लास वो है जो आपके देश के इंजीनियर्स हैं, आपके देश के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको अगर हमने नहीं पकड़ा, उनको अगर हमने साथ में ले लिया, उनको अगर हमने अपने इसमें कहीं शामिल नहीं किया तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। उसको हम कहीं IIT में परमिशन नहीं देते, आर्टिजन के क्लास में कितना भी उस्ताद एक आर्टिजन हो वो IIT में नहीं घुस सकता है, वो पॉलिटेक्निक में नहीं घुस सकता है, वो ITI में भी नहीं घुस सकता है, उसके लिए बेसिक आपकी 10वीं या 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट जरूरी है। कितना भी बड़ा कारीगर हो, चाहे वो ढाके की मलमली क्यों ना बनाता हो, आज भी आपको ऐसे कारीगर मिल जाएंगे जो आप ढूंढने से पूरे सिस्टम में वैसे उस्ताद नहीं निकाल सकते। एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, जयपुर फूड की हमने बात की है, डॉक्टर सेठ ने जयपुर फूड डिजाइन किया, बनाया किसने? किसी IIT ने, किसी पॉलिटेक्निक ने, किसी इंडस्ट्री ने? नहीं, कोई नहीं बना पाया और धक्के खाता रहा देश भर में, वो बनाया एक आर्टिजन ने। आज भी वो कारीगर है, अभी भी उनके अवशेष बचे हैं, उनको हमको साथ में लेना पड़ेगा। तो कहीं मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम अपने इस कार्यक्रम में एक एलिमेंट जरूर जोड़ें, IITs को जोड़ें, बाकी सबको जोड़ें,
कहीं हमें उस क्लास को आर्टिजन्स को जोड़ना भी आवश्यक है। और मित्रों, जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसमें आर्टिजन्स को विशेष महत्व दिया गया है, चाहे वो यूरोप उस समय का यूरोप रहा हो। जेम्स वाट जिसने पहला स्टीम इंजन बनाया, कोई प्रोफेसर नहीं था, एक कारीगर था। रिवॉल्यूशन के बाद अगर अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट बनता है तो एक चमार का लड़का बनता है, लिंकन। तो वो जो वहां पर सम्मान मिला उस क्लास को, हमारे यहां उसको अछूत बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमें अपने इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आर्टिजन क्लास को लाना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अभी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत